अमन चाहते हैं जुल्मों के खिलाफ, फैसला अगर जंग से होगा तो जंग ही सही। नमस्कार, आज मैं सानी सिंह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए काकोरी कांड के प्रति अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। और मुझे कहना पड़ेगा कि मैं अपने विपक्षी सहपाठियों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आखिरकार अगर वह उस दिन में चोरी ना करते तो जो विरोध की ज्वाला जली थी वह प्रज्वलित कैसे रहती? और तो और उन्होंने चोरी तक नहीं की थी। क्या आप जानते हैं उस दिन उन्होंने जो धन लिया था वह अंग्रेजों का नहीं भारत का ही था। इस घटना से ना तो केवल क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का सम्मान व समर्थन बढ़ा, बल्कि अंग्रेजों को क्रांतिकारियों भारतीयों की शक्ति का भी एहसास होने लगा। पहले तो भारतीय क्रांतिकारियों ने भी शांतिपूर्वक तरीके से स्वतंत्रता को पाने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेज अपनी जालसाजी से बाज ही नहीं आ रहे थे, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण जलियांवाला बाग हत्याकांड भी है। इसी के बाद से क्रांतिकारियों ने अपने विरोध प्रदर्शन में उग्र रूप धारण कर लिया। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और कई बातें आज तक अस्पष्ट हैं। कई लोग तो इसके बारे में जानते तक नहीं, ये इतिहास के पन्नों में कहीं छुप सी गई है। किंतु उपेक्षणीय प्रतीत होने वाली इस घटना ने स्वतंत्रता प्राप्ति में एक बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इसी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे भी अपने देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं। इसी ने लोगों के सीने में आजादी के लिए दबी चिंगारी को जोशीली आग में परिवर्तित कर दिया। उनकी स्वतंत्रता पाने की जरा छुपी हुई भूख को उनका एकमात्र लक्ष्य बना दिया और सभी के हृदय में यह पंक्तियां गूंजने लगी, है लिए हथियार जो दुश्मन ताक में बैठे उधर, हम भी तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, भारत माता की जय। धन्यवाद।